हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, नदियां और पर्वत, इन सभी से मिक्सअप क्वेश्चन आपके रहेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, क्योंकि आपके एग्जाम को भी कम टाइम अब बचा हुआ है, तो हम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे, साथ ही रिविजन भी कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप इस वीडियो को पूरा तक जरूर से देखिएगा। एमपी के और भी टॉपिक हम कवर करवा चुके हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमने कल एफएलटी वाला वीडियो आपको दिया था गाइस, अगर नहीं दिखा है तो देख लीजिएगा। एफएलटी 1 उससे पहले दे चुके हैं, एफएलटी 2 वाला हमने कल दिया है, तो आप उसको भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मिक्सअप क्वेश्चन है सारे, जैसा आपका पेपर रहता है। क्लियर है? तो आइए अब हम आज के शानदार वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जैसे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइस, हमारा पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है, मध्य प्रदेश के वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी मध्य प्रदेश के वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। हम ऑप्शंस पढ़ ले रहे हैं, कथन पढ़ ले रहे हैं। 9.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत है, 7.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि वन कवर क्षेत्र के अंतर्गत है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 9.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत है और 7.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि वन कवर के अंतर्गत है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों। ये जो दोनों ऑप्शन आपको कथन दे रखे, ये दोनों सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था। आजादी के समय मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र था 12.5%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कवर छिंदवाड़ा जिले में है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कवर वाला बालाघाट जिला है। हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर जो रहेगा ये रहेगा ओनली कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो केवल एक जो है ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कवर छिंदवाड़ा जिले में है, ये आपका सही नहीं है, बाकी ये आपका सही है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही नहीं है, तो इसलिए हमारा केवल एक ही सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन कवर क्षेत्र उज्जैन है, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन कवर शाजापुर जिले में है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, हमसे सत्य पूछा है तो सही वाला फर्स्ट है, गलत वाला सेकंड है। हमसे कौन सा पूछा है, सत्य पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा केवल एक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े होते हैं, उससे पहले बता दें हमारे एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, 90% तक का डिस्काउंट उस पर चल रहा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इसके अलावा एमपी करंट अफेयर 2022 की ईबुक भी है, उस पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, 2021 की ईबुक मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने भाग पर वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वन कितने क्षेत्र पर या कितने भाग पर वन क्षेत्र है। हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा 31.33% क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जिस पर वन क्षेत्र है, तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर वन कवर है, सही जवाब रहेगा हमारा, सही जवाब रहेगा 25.1%। डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। कार्बन स्टॉक के संबंध में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, कार्बन स्टॉक के संबंध में देश में मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये है दूसरा स्थान, दूसरा यानी हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य वन नीति लागू की गई, मध्य प्रदेश राज्य वन नीति लागू की गई है वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय जानवर बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राजकीय जानवर बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है इसका, रूसेवर्स डुवोलसिली इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा, बारहसिंगा का आगे से अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे जाए तो याद रखिएगा रूसेवर्स डुवोसिली इसका वैज्ञानिक नाम है, काफी इंपोर्टेंट है और काफी अटपटा भी है, आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सही कथन आपको बताना है कि कौन सा है। गाइस, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है राज्य पुष्प सफेद लिली है, बिल्कुल सही है, इसे फ्लोएम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, तो फ्लोएम ऑफ फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैडिमम है, कैडिडम, तो ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है, हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, हमसे सत्य पूछा है तो पहला और दूसरा दोनों सत्य रहेंगे, 1 एवं 2 दोनों सही है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाइस, सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस सागौन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वृक्ष पाला यानी फ्रोस्ट को नहीं सह सकते हैं, फ्रोस्ट को कौन से जो वृक्ष है ये नहीं सह सकते हैं,
पाला को नहीं सह सकते हैं। तो ये जो वृक्ष होते हैं, ये पहला तो है आपका बबूल का, बबूल, इसके बाद में एक नीम का होता है, नीम के बाद में एक सागुन का। तो ये बबूल, नीम और सागुन, ये तीन प्रकार के वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, जो कि पाला को नहीं सह सकते, बाकी शीशम, तेंदू ये सह सकते हैं। तो हमारा 1, 3 और 5 करेक्ट आंसर रहेगा, 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पेड़ों का उपयोग बायोडीजल उत्पादन में किया जा रहा है? तो बायोडीजल उत्पादन में जिन पेड़ों का उपयोग किया जा रहा है वो पेड़ कौन कौन से हैं? एक तो है आपका जेट्रोफा, जेट्रोफा एक है, और दूसरा है आपका महुआ। तो एट्रोफा एवं महुआ हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 1 एवं 2। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर मैग्रोव वन है? तो मध्य प्रदेश में इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है आपका, जितने क्षेत्र पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तोते की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन से तोते की प्रजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो आपको बताना है, सही जवाब रहेगा बर्ड्स गेरियर, बर्ड्स गेरियर, बर्ड गेरियर, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बर्ड गेरियर, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों का आरोही क्रम कौन सा सही है? ये आपको पहचानना है, क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों का आरोही क्रम आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में आएगा आपका बांधवगढ़, तो पेंच आएगा, पेंच के बाद में बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद में सतपुड़ा और पन्ना आएगा। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किन निम्न राष्ट्रीय उद्यानों का कौन सा क्रम उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में सही है? तो क्लियर है, राष्ट्रीय उद्यानों का अब स्थापना वर्ष के अनुसार आपको क्रम में जमाना है, पहले से बाद के क्रम में। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से वो क्या रहेगा, वो पहले नंबर पर आएगा माधव, पहले नंबर पर माधव आएगा, काना नहीं है इसमें, तो काना आता पहले, तो माधव आएगा, माधव के बाद में कौन सा आएगा आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद में आएगा आपका पन्ना, और पन्ना के बाद में आएगा जीवाश्म। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। किस स्थान पर कार्बन फ्लक्स टावर लगाया गया है? कार्बन फ्लक्स टावर जो लगाया गया है ये लगाया गया है बैतूल में, बैतूल बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब रहेगा। आपको सतपुड़ा व पेंच राष्ट्रीय उद्यान होते हुए भोपाल से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जाना है। यदि पहले व अंतिम जीरो को सम्मिलित किया जाए तो कम से कम कितने जिलों से गुजरना पड़ेगा? यानी आपको सतपुड़ा व पेंच राष्ट्रीय उद्यान होते हुए भोपाल से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जाना है, यदि पहले व अंतिम जिलों को सम्मिलित किया जाए तो कम से कम कितने जिलों से गुजरना पड़ेगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हमारा रहेगा ये रहेगा मध्य प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरना पड़ेगा, पहले व अंतिम को भी उसमें सम्मिलित किया जाए तो हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो संस्थान है, ये संस्थान एक तरह से, तो ये संस्थान आपका कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में स्थित है, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर साल के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में साल के जो वन है ये 4.15% भाग पर देखने को मिलते हैं, 4.15% भाग पर, हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तेंदू वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाइस, तेंदू जो वृक्ष मध्य प्रदेश में बेसिकली पाया जाता है इसका वैज्ञानिक नाम बताना है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है डायोस्पाइरोस मेलानोक्सिलोन, ऐसे करके आपको याद रखना है, डायोस्पाइरोस मेलानो का सिलोन, ये आप याद रखिएगा, ये तेंदू का वृक्ष जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चर्म शोधन में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? चर्म शोधन में हर्रा का प्रयोग किया जाता है, हर्रा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसी वन क्षेत्र में साल, सागौन एवं बांस के वृक्षों की बहुलता है? तो यहाँ किस प्रकार के वन है? देखिये, साल, सागौन और बांस के जो वृक्ष की बहुलता वाला जो क्षेत्र होता है ये जो है किस प्रकार का वन होता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधी आई पर्णपाती वन जो होते हैं, ये आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अति सघन वन कितने प्रतिशत भाग पर देखने को मिलते हैं? तो ये 2.17% भाग पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, फेन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इस फेन जो अभयारण्य है ये आपका मंडला जिले में स्थित है, मंडला हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत के कितने प्रतिशत भाग जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत के कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? 17.72% भाग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भारत के, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा
कि मध्य प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं, सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 3421 तेंदुए मध्य प्रदेश में है। वन औषधि प्रसंस्करण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अब हर्बल उत्पाद में मध्य प्रदेश का कौन सा, भारत में कौन सा स्थान है, तो हर्बल उत्पाद में मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा जो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है उन पत्रिकाओं का बताना है, वानिकी संदेश, बंधन, जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री। तो यहाँ से इन तीनों का किया जाता है बेसिकली, तो तीन आपके सही जवाब रहेगा, 1, 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बसावन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार में मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार है तो कितनी धनराशि दी जाती है, तो बसवन मामा स्मृति वन्य जो प्राणी संरक्षण पुरस्कार है इसमें प्रथम पुरस्कार है तो जो राशि दी जाती है ये राशि है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। बांस का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गाइस बांस का वैज्ञानिक नाम होता है डेड्रोक्लामस स्ट्रिक्टस। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्टस, डेड्रोक्लामस स्ट्रिक्टस इसका वैज्ञानिक नाम होता है बांस का, तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। निम्न में से कौन कौन नदियां सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जो नदियां गुजरती है वो नदी है आपकी कौन कौन सी, वो नदी है आपकी दूधी नदी, दूधी के साथ साथ एक आपकी तवा नदी, ये दोनों नदियां सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2 एवं 3, 2 एवं 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.157 हेक्टेयर, यहां से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख भिलाला उत्पादक जिला है, प्रमुख भिलाला उत्पादक जो जिला है इसका नाम है छिंदवाड़ा जिला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहां फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल नहीं है, तो गाइस फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल जो नहीं है ये कहां पर नहीं है, ये जबलपुर में नहीं है, जबलपुर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उस समूह को चुनिए जिसकी 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है, वो जो समूह है आपको बताना है कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद इनकी जो है 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण जो न्यायालय है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय ये आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं, सागौन के घने वन होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। कागज उद्योग में किस वृक्ष का इस्तेमाल होता है, कागज वृक्ष में बांस जो होता है इसका इस्तेमाल होता है बांस का कागज के उद्योग में। किस मौसम में तेंदु के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है जिन्हें एकत्रित कर सुखाया जाता है, सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में तेंदु के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है जिन्हें एकत्रित करके सुखाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, जलाऊ लकड़ी सर्वाधिक किस वृक्ष से उत्पादित होती है, जलाऊ लकड़ी सर्वाधिक जो प्राप्त होती है ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है, सही जवाब रहेगा बबूल के वृक्ष से। सागौन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, सागौन के संबंध में आपको बताना है, सागौन प्राकृतिक रूप से अफ्रीका का वृक्ष है, अंग्रेजों ने जहाज बनाने के लिए भारत में सागौन का वृक्षारोपण किया था, देखिए दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं, अब इनमें से कथन जो सही है वो आपको क्लिक करना है। पहला कथन जो था ये आपका गलत है, सागौन प्राकृतिक रूप से अफ्रीका का वृक्ष है ये गलत है, अंग्रेजों ने जहाज बनाने के लिए भारत में सागौन का वृक्षारोपण किया था ये बिल्कुल सही है, हमारा सही जवाब रहेगा केवल 2, कथन सत्य पूछा है, सत्य हमने बताया है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश देश का कितने प्रतिशत तेंदु पत्ता का उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश देश का जो तेंदु पत्ता का उत्पादन करता है ये करता है 60%, यानी 60% देश का 60% जो तेंदु पत्ता है ये मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई 1963 में, 1963 यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जाता है भोपाल में, भोपाल हमारा सही जवाब रहेगा। सोन नदी निम्न में से किस अभयारण्य के पास से गुजरती है, सोन नदी गुजरती है पनपठा अभयारण्य के पास से। दुर्गावती अभयारण्य किस जिले में स्थित है,
सही जवाब रहेगा दमोह जिले में। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? तो ये करती है वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोहार नदी नर्मदा के दक्षिण दिशा में मिलती है, हिरण नदी नर्मदा में उत्तर दिशा में मिलती है। हमको बताना है कौन सा सही है। हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है हिरण नदी नर्मदा में उत्तर दिशा से मिलती है, यानी केवल दो ही सही है, यह पहला गलत है। सही पूछा है, सही हमने बताया है, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्न में से किस जिले में से नर्मदा नदी नहीं गुजरती है? इनमें से किस जिले से नर्मदा नदी नहीं गुजरती है? सही जवाब रहेगा झाबुआ जिले से। केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह आपका रीवा जिले में स्थित है केवटी जलप्रपात। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का माही। माही नदी के अपवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंगरौली की बेसिकली बात की जा रही है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी महान नदी जो है यहाँ पर इसके तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही है? केन नदी यमुना की सहायक नदी है, टोंस नदी सोन की सहायक नदी है। सही कथन कौन सा है इसमें से? वही सही कथन है हमारा केन नदी यमुना की सहायक नदी है, यह सही है, ये गलत है। सही पूछा है हमारा, केवल एक सही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में जमाना है, उसके बाद में सही कौन सा है ये बताना है। तो देखिए पहले नंबर पर छिप्रा नदी, फिर बेतवा और फिर ताप्ती और फिर सोन नदी आएगी। तो क्लियर है, यहाँ से आप लगा लीजिएगा छिप्रा, बेतवा, ताप्ती और सोन नदी, हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तवा नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? तवा नदी निकलती है गाइस होशंगाबाद से, होशंगाबाद से इसका उद्गम हुआ है, पंचमढ़ी होशंगाबाद से। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी उसके टट्टी नगर के साथ सुमेलित नहीं है? कौन सी नदी नहीं है उसके टट्टी नगर के साथ सुमेलित? तो देखिए यहाँ पर देवास पार्वती, कुप्सी माई, बुरहानपुर ताप्ती, रीवा बिछिया। ठीक है, आपको सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। रीवा शहर आपका बिछिया नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर आपका बसा हुआ है, माही नदी के किनारे आपका कुक्षी बसा हुआ है, बाकी पार्वती जो नदी है इसके किनारे देवास नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, याद रखिएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का विधानसभा क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का विधानसभा क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब रहेगा सोनार नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की। महद झील किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महद झील धार जिले में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो ये नदी है जामनी नदी, जो की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैनगंगा नदी गोदावरी नदी, गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है वैनगंगा नदी। डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचे जलप्रपात है? तो देखिए नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा कपिल धारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है? इसमें से गंगा नदी तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी है ये बताना है आपको। तो गाइस जोहिला नदी, जोहिला के बाद में सिंध नदी और सिंध के बाद में छिप्रा नदी, ये तीन नदियां हैं जो कि गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा 1, 2 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। सोन नदी के तट पर किस महान लेखक का जन्म हुआ? तो सोन नदी के तट पर जो महान लेखक का जन्म हुआ इनका नाम बानभट्ट है, बानभट्ट। मैंने सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इस रनेह जो जलप्रपात है ये छतरपुर जिले में स्थित है। नवग्रह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, छिप्रा नदी के तट पर ये स्थित है। खान नदी किस नदी की सहायक नदी है? खान नदी छिप्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है वैनगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? वैनगंगा नदी का उद्गम होता है सिवनी जिले से, पारसवाड़ा पठार से। निम्न में से कौन सी नदी केवल मध्य प्रदेश राज्य में बहती है? इनमें से बताना है आपको। तो इनमें से महान जो नदी है ये केवल मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? इसमें से बताना है खान नदी सबसे प्रदूषित देखने को मिलती है। परवान नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उद्गम सीहोर जिले से होता है या कालीसिंध नदी की सहायक नदी परवान नदी की बात की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1 एवं 2, दोनों सही है, यानी ये सीहोर से निकलती है और कालीसिंध की सहायक नदी है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हीरा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है?
हीरा पाया जाता है कडप्पा कुडप्पा जो युग की चट्टाने हैं कुडप्पा, इन चट्टानों में हीरा बेसिकली देखने को मिलता है। कौन से पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक है? कौन से पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक है? सही जवाब रहेगा हमारा ये जो श्रेणी है इसका नाम है कैमूर भांडेर श्रेणी, यमुना और सोन नदी के जल विभाजक ये है। अगला क्वेश्चन, निचला गोंडवाना सेल समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य नाम तलचर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किन जिलों में धारवाड़ श्रेणी का अधिकतम विस्तार है? धारवाड़ श्रेणी का अधिकतम जो विस्तार है ये है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। धारवाड़ सेल समूह की चिल्पी श्रेणी में किस खनिज की अधिकता है? तो ये जो खनिज है इसका नाम है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में विंध्यन सेल का विस्तार सर्वाधिक है? सही जवाब रहेगा उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न सेलों को उनकी श्रेणी में सुमेलित करना है, श्रेणी से सुमेलित करना है निम्न सेलों को, देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपको पहले मिलान करना है धारवाड़ श्रेणी, धारवाड़ श्रेणी और देखिए सेलों को उनकी श्रेणी से करना है। तो धारवाड़ जो सेल है धारवाड़ सेल ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसको आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। तो हमारा जो देखिए धारवाड़ जो सेल आता है ये आता है सकोली के अंतर्गत, सकोली यहाँ से फर्स्ट इसका रहेगा। विंध्यन जो सेल आता है ये आता है समेरी के अंतर्गत, सेमरी के अंतर्गत, दो इसका आ जाएगा। कुडप्पा सेल अभी हमने देखा है गाइस, कुडप्पा सेल, कुडप्पा सेल विजावर, विजावर यानी हमारा ये तीसरा हो जाएगा। और गोंडवाना जो सेल होता है इसका फर्स्ट रहेगा तलचर, यहाँ से हमारा चौथा रहेगा। तो हमारा जो क्रम रहेगा ये क्या रहेगा, डी सी बी ए, डी सी बी ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारा जो क्रम रहेगा वो रहेगा डी सी बी ए, हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी ऐतिहासिक इमारत विंध्यन सेल के लाल बलवा पत्थर से निर्मित है? ऐतिहासिक इमारत है इसका ये आपको नाम बताना है। सही जवाब रहेगा सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी घाटी एवं दक्कन पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? इसमें से धार जिले में सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी इसका विस्तार देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित मेकाल रेंज किस नदी का ऊपरी बेसिन है? तो ये ऊपरी बेसिन है नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। लम्हेरा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा जबलपुर में, लम्हेरा की पहाड़ी जबलपुर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विंध्यन पर्वत का निर्माण क्वार्टर चट्टानों से हुआ है, सही है बिल्कुल करेक्ट है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है आपका, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एक एवं दो, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? मालवा के पठार, मालवा पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई 850 मीटर से अधिक है, बिल्कुल सही है सर। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर सकोली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी हमारा एक एवं दो दोनों सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्वेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल के दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है? तो ये जो निर्माण हुआ है ये हुआ है क्रेटेशियस, क्रेटेशियस काल का, क्रेटेशियस काल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? निम्न पर्वतों में कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर सही है ये आपको क्लिक करना है। तो ये जो क्रम है ये आपको थोड़ा सा क्लिक करना है, देखिए पहले नंबर पर आएगा मथवार पर्वत श्रेणी, दूसरे नंबर पर बड़वानी, असीरगढ़ और कालीवी श्रेणी। तो ये क्रम में सही है, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर हमको बताना था, हमने बता दिया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गिद्धराज पर्वत किस जिले में स्थित है? गिद्धराज पर्वत सतना जिले में देखने को मिलता है। विजयगढ़ पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है विजयगढ़ पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के जो जिले हैं आते हैं ये जिले हैं आपका सागर जिला, सागर के बाद में सतना, सतना और दमोह जिला, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलचर उपक्रम किस प्रकार की चट्टानों का भाग है? तलचर उपक्रम जो है ये बेसिकली गोंडवाना जो क्रम है इसके चट्टानों का भाग होता है, गोंडवाना चट्टानों का, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा भाग ऊपरी विंध्यन क्रम का हिस्सा नहीं है? कौन सा भाग ऊपरी विंध्यन क्रम का हिस्सा नहीं है? सही जवाब रहेगा सेमरी, सेमरी उपक्रम, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही हो जाएगा। सोसर क्रम का विस्तार किस जिले में है? सोसर क्रम का विस्तार छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर है, सद्भावना शिखर दमोह जिले में स्थित है। तो यहाँ से हमारे दोनों पॉइंट सही है,
दोनों पॉइंट सही है, हमारा एक एवं दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी का साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। ध्वजारी चोटी कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मालवा के पाठार के अंतर्गत आती है ध्वजारी चोटी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, मेकाल की आकृति त्रिभुजाकार है, मेकाल की आकृति त्रिभुजाकार है, मेकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक की ऊंचाई 1100 मीटर से अधिक है। देखिए हमेशा सही कथन पूछा है और इन दोनों में से सही कोई सा भी नहीं है, इन दोनों में से सही नहीं है क्योंकि दोनों गलत है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा कोई नहीं, कोई भी नहीं सही है इनमें से, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं और एमपी के पर्वत पठार नदियां ये जो है हम पूरा कंप्लीटली कवर करवा चुके हैं आपको। अब दो चार टॉपिक और मुश्किल से बचे होंगे, उनको भी हम फटाफट फटाफट कवर कर लेंगे, उसके बाद में अच्छे से आपके एपीएलटी लगाएंगे और आपके प्रैक्टिस आप जान सकेंगे, तो आप तैयार हो जाएगा गाइस। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहे तो आप कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं किन किन टॉपिकों के ऊपर आपका वीडियो चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डेमो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने एडवांस लेवल के कोर्सेज और ईबुक हमारे द्वारा डिजाइन की गई है। वैसे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप दबा दें जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।